विदिशा के सिरोंज से बड़ी खबर क्या नजर डालेंगे, जहां पर डैम में डूबने से दो बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें कि नहाते समय हादसा हुआ है। दीपनाखेड़ा क्षेत्र के कोचा बांध के पास की पूरी ही घटना बताई जा रही है। विदिशा के सिरोंज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डैम में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी मिल पा रही है कि नहाते समय यह हादसा हुआ। दीपनाखेड़ा क्षेत्र के कोचा बांध के पास की पूरी ही घटना बताई जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, विदिशा के सिरोंज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डैम में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता जफर। जफर, आपसे जानना चाहेंगे, विदिशा के सिरोंज में डैम में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है, क्या रहा पूरा घटनाक्रम? सुनील जी, यहाँ से कुछ किलोमीटर है एक दीपनाखेड़े थाने के पास करेली गांव में, जहां पर फैमिली के साथ वहां पर सब लोग नहा रहे थे, जहां पर कच्ची डैम के नाम से मशहूर है, एक बड़ा डैम है। वहां नहाते नहाते दो बच्चे, एक नाबालिग, गहरे पानी में पहुंच गए। इनकी डूब में से वहां पर मौत हो गई है। उनको बचाने की भी बहुत कोशिश की गई परिजनों की, और लेकिन वो बच नहीं पाए। जफर, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया है, यहाँ पर डैम में अक्सर लोग आते हैं नहाने के लिए, तो क्या अगर बात की जाए गोताखोरों की, तो क्या प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए जाते? प्रशासन से जरा कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते, ना पर यहाँ पर गोताखोर है और ना ही कोई बचाने कार्य लिए कोई भी चीज मौजूद है। यहाँ पर पहले भी पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई जब तक नहीं है, कोई सक्रिय भी नहीं हो पाता। जफर, पूर्व में भी अगर ऐसे हादसे हो चुके हैं, तो प्रशासन आखिर सबक कब सीखेगा? मौत से मौत होती चली आ रही है, लेकिन प्रशासन वहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं करता। उसको गोताखोरों को रखना चाहिए, वहाँ आसपास बड़ा डैम में मछली पालन वहाँ पर होता है, उसके बाद भी ये लोग कोई भी इससे कार्रवाई नहीं करते। जफर, प्रत्यक्ष दर्शियों की अगर बात की जाए, तो क्या उनके बयान अभी तक सामने आए हैं? उनके बयान अभी वापस नहीं आए हैं, उनके अभी कोई बयान नहीं आया। परिजनों की हालत बहुत खराब है, रो रो के उनके, और पुलिस जांच में जुटी है, या पुलिस जाइए उनके बयान लेने के लिए, अभी कुछ बयान देने की तैयारी नहीं है। चलिए जफर, जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।